this is Tamur hamid and you are watching me on my youtube channel universe of physics if you didn't subscribe my channel so please subscribe and like it first and press the bell icon now we will move towards our today topic which is about application of gauss's law in our previous lecture we will discuss in detail about gauss's law so first of all we will define वट इज़ गाज़ला यानी इस टॉपिक को डिस्कस करने से पहले हम सबसे पहले डिफ़ाइन करेंगे कि हमारे पास गाजला होता क्या है यानी कि हम अपने प्रीवियस लेक्चर को यहाँ पर थोड़ा क्या करेंगे रिकॉल करेंगे तो गाजला को जब हमने डिस्कस किया था तो हमने बताया था कि हमारे पास किसी भी क्लोज सरफेस के नांग जो टोटल फ्लक्स होता है वो हमारे पास इक्वल किसके होता है टोटल चार्ज इन क्लोज बायट सरफेस डिवाइडेड बाय परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस यानी उस सरफेस के इनसाइड जो हमारे पास टोटल चार्ज होता है और उस चार्ज को जिस मीडियम में हमने प्लेस किया होता है वो हमारे पास किसकी डेफिनेशन आती है गाज ला की तो यहाँ से हम गाजला को डिफ़ाइन करते होते हैं द नेट इलेक्ट्रिक फ़्लक्स थ्रू एनी क्लोज सर्फिस किसी भी क्लोज सर्फिस के अलांग जो हमारे पास नेट इलेक्ट्रिक फ़्लक्स होता है जो टोटल इलेक्ट्रिक फ़्लक्स होता है वो हमारे पास इक्वल किसके होता है टोटल चार्ज इंक्लोज इनसाइड द सर्फिस उस सर्फेस के इन साइड जो हमारे पास टोटल चार्ज इनक्लोज होता है डिवाइडेड बाई परमेटिविटी ऑफ़ फ्री स्पेस परमेटिविटी ऑफ फ्री स्पेस से मुराद कि जिस मीडियम में हमने उस चार्ज को क्या किया होता है प्लेस किया होता है तो आज इसी गाज ला के आगे हम क्या करेंगे अप्लीकेशन डिस्कस करेंगे कुछ इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन यहाँ पे इंशाल्लाह हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे तो बाय अप्लाइंग गाजला गाजला को अप्लाई करते हुए वी कैन कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम क्या कैलकुलेट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करते हैं इन केस ऑफ सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जब हमारे पास चार्जेस की डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो सिमेट्रिक हो तो ये बात सबसे पहले मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ केस ऑफ सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इन केस ऑफ सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वी कैन कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बाय यूजिंग गाजला यानी कि गाजला को यूज़ करते हुए हम क्या कैलकुलेट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करते हैं इन केस ऑफ सीमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि जब चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास क्या हो सीमेट्रिक हो फ्यू इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन आर डिस्कस्ड अब यहाँ पे हमने क्या करनी है इसकी कुछ इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन क्या करनी है डिस्कस करनी है जिसमें सबसे पहली एप्लीकेशन मेरे पास है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ चार्ज कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल यानी कि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है एक चार्ज कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल की इट्स मीन कि हमने एक स्फेरिकल शेल स्फीयर लेने हैं ठीक है स्फेरिकल शेल चार्ज कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल लेना है ठीक है, है उसके एलवांग हमने क्या फ़ाइंड करनी है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है किस को अप्लाई करते हुए किस को यूज़ करते हुए गाजी ला को यूज़ करते हुए तो सबसे पहले यहाँ पे मैं एक स्फेरिकल सरफेस ड्रा कर देता हूँ कंसिडर करें कि आप पास ये एक स्फेरिकल सरफेस है और इस स्फेरिकल सरफेस का जो सेंटर से लेके इस सफियर तक डिस्टेंस है रेडियस है वो रेडियस आपके पास क्या है आर है अब ये जो सरफेस है हमारे पास ये चार्ज कंडक्टिंग स्फेरिकल सरफेस है ये हमारे पास क्या है चार्ज कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल है स्फेरिकल बॉडी है ठीक है इसकी सरफेस के ऊपर हमारे पास क्या है चार्ज है ठीक है तो यहां पे हम क्या कहेंगे कंसिडर अ चार्ज कंडरिकल शेल हैविंग रेडियस आर कंसिडर करें कि आप पास एक चार्ज कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल है जिसका रेडियस आप पास क्या है आर है हेयर वी वांट टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन साइड एज वेल एज आउटसाइड दिस फेरिकल शेल यहाँ पे हमने इस फेरिकल शेल के अलाउ हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है कहाँ पर इस फेरिकल शेल से इनसाइड भी और इस फेरिकल शेल से आउटसाइड भी एक कंडीशन में हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करेंगे इनसाइड स्फेरिकल शेल और एक कंडीशन में हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करेंगे आउटसाइड द स्फेरिकल शेल तो यहां पे हमारे पास दो केसेस बनते हैं कितने केसेस बनते हैं दो केसेस केस वन व्हेन पॉइंट पी इज लोकेटेड इनसाइड द स्फेरिकल शेल पहला केस पास कि पास क्या है जब आप पास पॉइंट पी इन साइड स्फेरिकल शेल क्या हो लोकेट करता हो लेट सपोज मेरे पास ये पॉइंट पी है मेरे पास आई है, ये है. कहां पे है ये मेरे पास इन साइड शेल अब इस पॉइंट पी पे मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है यहां पे हम क्या कहेंगे कंसिडर अ पॉइंट पी विच इज लोकेटेड इन साइड द स्फेरिकल शेल जो हमारे पास कहाँ पे लोकेट कर रहा है इन साइड द स्फेरिकल शेल लोकेट कर रहा है और इसका जो हमारे पास सेंटर ऑफ स्फेरिकल शेल से डिस्टेंस है इस पॉइंट पी का जो हमारे पास सेंटर ऑफ स्फेरिकल शेल से डिस्टेंस है वो हमारे पास क्या है आर पी है वो हमारे पास क्या है आर पी ये मेरे पास पॉइंट पी है इसका जो सेंटर ऑफ स्फेरिकल शेल से मेरे पास डिस्टेंस है वो कितना है आर पी अब यहाँ पे जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करेंगे गाजला को यूज़ करते हुए बाई यूजिंग गाजला या बाई अप्लाइंग गाजला कंसिडर अगाशियन सर्फेस कंसिडर क्या करें एक गाशियन सर्फेस कंसिडर करें जो इस फेरिकल शेल के इन इस पॉइंट पी से पास थ्रू होके जाए कंसिडर क्या करें अगाशियन सर्फेस कंसिडर अगाशियन सर्फेस पासिंग थ्रू अ पॉइंट पी कंसिडर करें कि एक गाशियन सर्फेस लें जो इस पॉइंट पी से क्या होके जा रही है पास थ्रू होकर जा रही है तो यहाँ से हम एक इस गाशियन सर्फेस ले ली ये मेरे पास क्या है जी गाजियन सरफेस ये मेरे पास क्या है गाशियन सरफेस जो मैंने कहाँ पे प्लेस की इस पॉइंट पी इस पॉइंट पी से पास थ्रू हो गई जो इन साइड शेल अब जैसे ही हमने यहाँ पे गाशियन सरफेस अप्लाई कर दी तो देखें इस गाशियन सरफेस के इनसाइड हमारे पास चार्ज क्या है जीरो हमारे पास चार्ज क्या है जीरो तो जैसे ही हमने गाशियन सरफेस अप्लाई की जो पॉइंट पी से पास थ्रू हो गई तो उस गाशियन सर्फिस के अप्लाई करने के बाद हमने देखा कि इन साइड फेरिकल इस गाशियन सर्फिस इन साइड गाशियन सर्फिस हमारे पास चार्ज क्या है जीरो इन साइड गाजियन सर्फिस क्यू इज इक्वल टू जीरो चार्ज हमारे पास क्या है जीरो है तो जब इन साइड गाशियन सर्फिस चार्ज हमारे पास जीरो होगा तो फिर हमारे पास क्या होगा गाज ला के अकॉर्डिंग हमारे पास नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू टोटल चार्ज इनक्लोज बाय सरफेस डिवाइडेड बाई परमिटिविटी ऑफ अ फ्री स्पेस ठीक है ये हमारे पास इक्वेशन कहाँ से आई गाजी जिला से आई इसी तरह एज वी नो डैट एज वी नो डैट जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स का केस होता है उसमें हमारे पास फ्लक्स किसके इक्वल होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन टू एरिया वैक्टर ए एरिया वैक्टर ए कंपेयरिंग इक्वेशन वन एंड टू कंपेयरिंग <laughs> इक्वेशन वन एंड टू इक्वेन वन एन टू को यहाँ पर हमने क्या करना है कंपेयर करना है तो जैसे ही कंपेयर करेंगे तो आप पास क्या आ जाएगा क्यू ओवर एप्सलॉन नाट अब देखें हेयर वन पॉइंट पी इज लोकेटेड इन साइड फेरिकल शेल जब पॉइंट पी हमारे पास इस चार्ज फेरिकल शेल के इन साइड लोकेट कर रहा है तो जब इसके लांग हमने गाशियन सर्फिस अप्लाई की तो हमारे पास इन साइड गाशियन सर्फिस चार्ज क्या आ गया जीरो तो इसको हमें इक्वन थ्री कह देता हूँ इक्वेन थ्री में हेयर q इज़ इक्वल टू जीरो जब q आपके पास क्या होगा जीरो होगा तो q जब जीरो होगा तो आपके पास क्या हो जाएगा ई डॉट ए इज इक्वल टू जीरो और एप्सलान नाट आप पास क्या हो जाएगा ई डॉट ए इज इक्वल टू जीरो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके ले जाएं तो इट्स मीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपके पास क्या होगी जीरो होगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपके पास क्या होगी जीरो तो हमें यहाँ से पता चल गया कि जब पॉइंट P को हम लोकेट करते हैं इनसाइड स्फेरिकल शेल व्हेन पॉइंट P इज लोकेटेड इनसाइड स्फेरिकल शेल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी कम जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है हमारे पास जीरो होती है क्यों क्योंकि इस पॉइंट पी के से, के पास थ्रू करके हमने एक गाजियन सर्फेस ली है उस गाशियन सर्फेस के इन साइड हमारे पास कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं था इसी तरह अब हमारे पास दूसरा केस है केस सेकंड केस सेकंड में हम क्या करेंगे व्हेन पॉइंट पी इज लोकेटेड आउटसाइड व्हेन पॉइंट पी इज लोकेटेड आउटसाइड दी स्फेरिकल शेल यानी अब अपने पॉइंट पी को कहाँ पर लेना है इस फेरिकल शेल की आउट साइड लेना है इस फेरिकल शेल की आउट साइड लेना है जब इस पॉइंट पी को आप फेरिकल शेल की आउट साइड लेंगे तो मैं इस, इसी डाइग्राम को यहाँ पर दोबारा कंस्ट्रक्ट करूँगा इसी तरह मेरे पास इसके सेंटर से लेके सफियर के सरकम तक जो रेडियस है वो भी रेडियस मेरे पास क्या आर है अब पॉइंट पी को मैंने कहाँ पे लेना है आउटसाइड स्फेरिकल शेल लेट्स सपोज ये मेरे पास पॉइंट पी है अब इस पॉइंट पी पे मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है कंसिडर अ पॉइंट पी विच इज़ लोकेटेड आउटसाइड चार्ज स्फेरिकल शेल कंसिडर करें कि आप पास पॉइंट पी है जो इस चार्ज स्फेरिकल शेल के कहाँ पर है आउटसाइड है और इस पॉइंट पी से लेके जो हमारे पास इस फेरिकल छल तक के सेंटर तक का डिस्टेंस है वो हमारे पास क्या है आर है वो हमारे पास क्या है आर उसको मैं स्मॉल आर से रिप्रेजेंट कर देता हूँ आर अब इस पॉइंट पी पे जब हम गाजला अप्लाई करेंगे बाय यूजिंग गाजला कंसिडर अ गाशियन सर्फिस कंसिडर क्या करेंगे गाशियन सर्फिस कंसिडर करेंगे विच इज़ पासिंग थ्रू अ पॉइंट पी जो इस पॉइंट पी से क्या होगी पास होगी जाएगी तो यहाँ पर इस पॉइंट पी के एलॉंग हमने क्या अप्लाई कर दी एक गाशियन सरफेस अप्लाई कर दी ये हमारे पास क्या है जी गाशियन सरफेस। अब ये जो गाशियन सरफेस है जैसे ही हमने इस पॉइंट बी के लांग गाशियन सरफेस ड्रा की तो देखें जितना भी हम ये, ये हमारे पास जो चार्ज स्फेरिकल शेल है जो हमारे पास क्या है चार्ज स्फेरिकल शेल ये हमारे पास इनसाइड गाशियन सर्फेस आ गया इट्स मीन कि इस गाशियन सर्फेस के इनसाइड हमारे पास स्फेरिकल चार्ज शेल मौजूद है तो यहां पे हमारे पास चार जीरो नहीं होगा यहां पे हमारे पास चार्ज जीरो नहीं होगा तो देखे बाई अप्लाइंग बाय अप्लाइंग गाजिजला या बाय यूजिंग गाजला गाजला हमारे पास इसकी क्यूल है फाइव इज इक्वल टू क्यू ना क्यू डिडेड बाई एप्सलान नाट क्यू डिडेड बाई एप्सलान नाट इसी तरह हमारे पास एज वी नो डैट जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो हमारे पास किसकी गुल होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एन टू एरिया वैक्टर कंपेयरिंग इक्वीजन वन एंड टू कंपेयरिंग इक्वीजन वन एंड टू जब इक्वीजन वन और टू को हम कंपेयर करेंगे तो देखें आप पास क्या आ जाएगा ई डॉट ए इज इक्वल टू क्यू ओवर एप्सलान नाट क्यू ओवर एप्सैलान नॉट अब देखें हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है ए मेरे पास क्या एरिया है अब जो एरिया यहाँ पे हमारे पास चार्ज सरफेस का एरिया है तो वो स्फेरिकल सरफेस है हमारे पास वो हमारे पास क्या है स्फेरिकल सरफेस है तो एरिया ऑफ स्फेरिकल सरफेस, जो सरफेस एरिया होता है हमारे पास स्फेरिकल ऑब्जेक्ट था वो हमारे पास किसके इक्वल होता है फोर पाई आर स्केयर की इक्वल होता है तो इट्स मीन एक जगह क्या आ जाएगा फोर पाई आर स्केयर आ जाएगा ई इंटू फोर पाई आर स्केयर इज इक्वल टू q डिडेड बाई एप्सलान नॉट इस फोर बाय आर स्केयर को इधर जाके डिवाइड कर दें तो आपके पास क्या आ जाएगा e इज़ इक्वल टू यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाई फोर पाई एप्सलान नाट आर स्केयर मैंने अरेंज करके लिख लिया ये इक्वेशन हमारे पास किसको रिप्रेजेंट कर रही है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को रिप्रेजेंट कर रही है जब हमारे पास पॉइंट पी जो है इस स्फेरिकल शेल से क्या है आउटसाइड पे है इन क्या है ज़ीरो आउटसाइड हमारे पास क्या है क्यू डिवाइडेड बाई फोर पाई एप्सलान नाट आर स्केयर तो ये तो हमारे पास फर्स्ट एप्लीकेशन थी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की ड्यू टू तो चार्ज कंडक्टिंग शेल इसी तरह हम सेकेंड एप्लीकेशन इसकी डिस्कस करते हैं जो कि हमारे पास है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट शीट सीट ऑफ चार्ज सेकेंड वन हमारे पास क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज यानी कि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है एक इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज के ईलाम एक इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज के एलॉम हमने क्या करनी है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है तो सबसे पहले कंसिडर कर लेते हैं कि ये हमारे पास एक इनफाइनाइट शीट है कंसिडर इनफाइनाइट शीट कंसिडर क्या कर दिया हमने एक इनफाइनाइट शीट कंसिडर कर दी यानी कि इसकी लेंथ हमारे पास क्या है इनफाइनाइट है ठीक है और जिसके ऊपर मेरे पास पॉजिटिवली चार्ज जो है वो यूनिफॉर्मली क्या किया हुआ है प्लेस किया हुआ है ये हमने क्या कंसिडर कर ली एक इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज कंसिडर कर ली जिसके ऊपर मेरे पास यूनिफॉर्मली पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है मेरे पास क्या है यूनिफॉर्मली पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है तो हम यहाँ पे लिखते हैं कंसिडर अ शीट ऑफ इनफाइनाइट लेंथ हैविंग यूनिफॉर्मली पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एक इनफाइनाइट लेंथ की हमने शीट कंसिडर कर दी जिसके ऊपर मेरे पास पॉजिटिव चार्ज क्या है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है पॉजिटिव चार्ज मेरे पास क्या यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट अब इस इनफाइनाइट शीट के क्लोज में एक पॉइंट पी ले लेता हूँ जो इस इनफाइनाइट शीट से एट अ डिस्टेंस आर पे प्लेस किया हुआ है अब इस इनफाइनाइट शीट के लांग इस पॉइंट पी पे जो पॉइंट पी मेरे पास इस इनफाइनाइट शीट से स्मॉल डिस्टेंस आर पे है इस पॉइंट पी पे हमने क्या करनी है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड करने के लिए इस इनफाइनाइट शीट के लांग भी हमने क्या करनी है एक गाशियन सर्फिस लेनी है और इस कंडीशन में हम गाशियन सर्फिस को इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर लेंगे कंसिडर आ गार्जियन सरफेस इन दी फॉर्म ऑफ सिलेंडर हैविंग एरिया ए कंसिडर कर दें कि आप पास एक गार्जियन सरफेस है जो कि इसकी फार्म में आप ले रहे हैं सिलेंडर की फार्म में ले रहे हैं और उस सिलेंडर का एरिया हमारे पास क्या है ए है ठीक है इस तरह का सिलेंडर देखें यहां पे मैं पहले ड्रा कर देता हूँ इस तरह की हम एक सिलेंड्रिकल सरफेस लेंगे एज ए गाजियन सरफेस ठीक है तो वो यहाँ पे मैं बनाने की कोशिश करता हूँ जी ये हमने एक सिलेंड्रिकल सरफेस ले ली इस यूनिफॉर्मली पॉजिटिव चार्ज शीट के लांग ठीक है अब देखें इस यहाँ पे इसको समझें ये जो मैंने एक सिलेंड्रिकल सरफेस ले ली गाजियन सर्फिस इसके ये दो एंडस हैं ठीक है अब ये जो फेसेस है इसके इसको मैं पॉइंट पी से नोट कर देता हूँ और इस फेस को पॉइंट पी प्राइम से नोट कर देता हूँ और एक इनकी ये कर्व सर्वेस है जिस तरह ये मेरे पास मार्कर है ये मेरे पास क्या है? मार्कर अब देखें मार्कर को एज ए सिलेंडर आप ले लें ठीक है तो इसकी ये दो हमारे पास एंड फेसेस आएंगे और एक इसकी कर्व सर्फेस आएगी इट्स मीन कि यहाँ पे हमारे पास जो ये फेसेस हैं एक ये फेस और एक ये फेज जिसको मैंने पी और पी प्राइम से नोट किया हुआ है ये पी एंड दिस इज़ नोन एज पी प्राइम इन दो फेसेस के एलान जो मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी अब देखें पॉजिटिव चार्ज की जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी वो इस तरह जाएंगी अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी ये इस पॉइंट पी से परपेंडिकुलर होंगी ये इस पॉइंट पी से क्या होंगी परपेंडिकुलर यानी इस एंड फेस से हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स होंगी वो क्या होंगी परपेंडिकुलर इसी तरह जो जो इस साइड पर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स होंगी वो भी मेरे पास इस पॉइंट पी प्राइम से यानी इस दूसरे एंड से वो भी क्या होंगी परपेंडिकुलर होंगी और इसी तरह जो मेरे पास ये कर्व सर्फेस है ये वाली कर्व सर्फेस है ये कर्व सर्फेस के एलांग जो मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स होंगी वो क्या होंगी पैरल होंगी वो मेरे पास क्या होंगी पैरल तो इट्स मीन यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स तीन जगह पे फाइंड करेंगे एक इस पॉइंट पी पे करेंगे एक इस पॉइंट पी प्राइम पे करेंगे और एक इस सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करेंगे अब जरा यहाँ पे देखें जो मेरे पास ये पॉइंट पी है इस पॉइंट पी के एलांग जो मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है वो क्या परपेंडिकुलर हैं लेकिन इस पॉइंट पी पे जो मेरे पास ये सरफेस है यहाँ पे अगर इस सरफेस का मैं एरिया वेक्टर ड्रा करूँ वो एरिया वेक्टर मेरे पास इस पॉइंट पी के क्या आएगा नॉर्मल आएगा अब यहाँ पर लेट्स सपोज ये मेरे पास एक सिलेंड्रिकल सर्फेस है ठीक है ये कर्व सर्फेस है ठीक है ये दो फेसेज हैं अब ये जो फेस है दिस फेस जिसको मैंने पॉइंट पी कंसिडर किया है ये फेस मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स के क्या है परपेंडिकुलर है लेकिन इस फेस का जो मेरे पास एरिया वेक्टर है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के क्या है नॉर्मल है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के क्या है नॉर्मल है इस एरिया के लाग नॉर्मल होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के पैरल हो जाएगा इसी तरह जो इस साइड मेरे पास ये वाला एरिया है ये भी एरिया जो मेरे पास है ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के क्या है परपेंडिकुलर है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरह से आ रही हैं फ्रॉम दिस डायरेक्शन और ये एरिया मेरे पास इस तरह परपेंडिकुलर है लेकिन इस एरिया का भी जो मेरे पास एरिया वेक्टर है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के क्या होगा पैरेलल होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के क्या होगा पैरेलल इट्स मीन कि इस सिलेंड्रिकल सर्फेस के जो मेरे पास दोनों साइड्स होंगी दोनों एंड फेसेस होंगे यहाँ पे मेरे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स मैक्सिमम होगा यहाँ पे मेरे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा मैक्सिमम और जो हमारे पास ये कर्व सर्फेस होगी कर्व सर्फेस में मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स और ये जो सर्फेस है ये दोनों एक दूसरे के क्या है पैरालें और इस सर्फेस का जो मेरे पास एरिया वैक्टर है इस सर्फेस का जो मेरे पास क्या एरिया वैक्टर वो मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स के क्या होगा परपेंडिकुलर होगा इन दोनों के दरमियान यहाँ पे हमारे पास एंगल कितना बनेगा नाइन्टी तो काज नाइनटी हमारे पास क्या होता है जीरो होता है इट्स मीन कर्ड सर्फिस पे हमारे पास फ्लक्स क्या होगा जीरो होगा और एंड फेसेस पर हमारे पास फ्लक्स क्या होगा मैक्सिमम होगा तो यहाँ पे यूजिंग गाजेज ला जब गाज ला को हम यूज करेंगे तो गाज ला हमारे पास क्या है फाइव इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाई एप्सलॉन नाट फाइव इज इक्वल टू क्यू डिडेड बाई एप्सलान नाट इसी तरह फ्लक्स थ्रू सर्फेस एरिया या इस तरह का सर्फ सर्फेस एरिया पी जो हमने ये एरिया पी लिया हुआ है इसके एलग जब हम फ्लक्स फाइंड करेंगे तो फ्लक्स फाइव वन इज़ इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन टू एरिया वैक्टर ये होता है अब यहाँ पर जो हमारे पास ये एरिया है इसके लांग जिसका एरिया वैक्टर है वो इसके लाग नॉर्मल आ रहा है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स जो हैं और ये जो एरिया वैक्टर है ये दोनों आपस में क्या बना रहे हैं डार्ट प्रोडक्ट बना रहे हैं तो जब डार्ट प्रोडक्ट होता है तो यहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं काज ऑफ थीटा यूज़ करते हैं तो आप पास क्या आ जाएगा ई ए, ए काज ऑफ़ थीटा दोनों गर्मान एंगल कितना है ज़ीरो तो काज ज़ीरो किसकी को जाएगा वन के यहाँ पे थीटा हमारे पास किसकी कुल हो जाएगा ज़ीरो की गोल हो जाएगा तो आप पास क्या तो आ जाएगा फाइव वन इज़ इक्वल टू ई ए काज ऑफ़ ज़ीरो और काज ज़ीरो वन होता है तो आप पास क्या आ जाएगा ई यानी फ्लक्स आप पास क्या आएगा इस एरिया पी पे मैक्सिमम इसी तरह हमने फ्लक्स फाइंड करना है इस पॉइंट पी प्राइम पे ठीक है फ्लक्स एट पॉइंट पी प्राइम इस पॉइंट पी प्राइम पर जब फ्लक्स फाइंड करेंगे तो फाई टू इज़ इक्वल टू ई डॉट ए काज ऑफ थीटा यहाँ पे भी हमारे पास जो एरिया वेक्टर होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी वे बेगूसरी क्या होंगी पैरल तो यहाँ पे भी थीटा हमारे पास क्या होगा जीरो होगा ठीक है तो फाई टू इज़ इक्वल टू ई डॉट ए काज ऑफ जीरो तो फाइव टू इज इक्वल टू ई डॉट ए का जीरो वन के होता है तो आप पास यहाँ भी फ्लक्स क्या आएगा मैक्सिमम अब फ्लक्स एट द सर्फेस ये जो सर्फेस है हमारे पास इस सर्फेस पर यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और सरफेस जो है एक दूसरे के पैरल होंगी लेकिन सरफेस का जो हमारे पास एरिया वेक्टर होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के क्या हो जाएगा फिर परपेंडिकुलर हो जाएगा तो इट्स मीन सरफेस के ऊपर फ्लक्स हमारे पास क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास दोनों साइड्स पे मैक्सिमम सर्फेस में क्या हो जाएगा जीरो तो टोटल फ्लक्स जो हमारे पास आ जाएगा टोटल फ्लक्स इज़ इक्वल टू फाइव वन प्लस फाइव टू थर्ड का जो हमारे पास केस है वहाँ पे हमारे पास जीरो हो जाता है उसको हम यहाँ पे लिखते ही नहीं ठीक है तो टोटल फ्लक्स इज़ इक्वल टू ई डॉट ए प्लस ई डॉट ए तो दोनों का जब हम ऐड करेंगे तो टोटल फ्लक्स आपके पास कितना आ जाएगा टू ई ए टू ई ए अब देखें जो हमारे पास गाजला के एलान जो हमारे पास डेफिनेशन आती है वो हमारे पास क्या आती है फाइव जी ब्लू ओवर एफ्सला नॉट यहाँ पे हमने दोनों साइड पे जो फ्लक्स की वैल्यू निकाली उसका रिजल्ट हमारे पास क्या आ गया टू ई ए अब ये जो हमने गाजियन सर्फिस ली है इस गाइशियन सर्फिस के इन साइड जो हमारे पास चार्ज था जो हमारे पास चार्ज आया है इन फाइन सीट ऑफ चार्ज जो आई है उसकी चार्ज डेंसिटी भी हमने फाइंड करनी होती है तो एज वी नो डैट एज वी नो डैट डेंसिटी इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट एरिया डेंसिटी हमारे पास किसकी क्यूल होती है चार्ज पर यूनिट एरिया के तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं एज डेंसिटी इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट एरिया डेंसिटी हमारे पास किसकी होती है चार्ज पर यूनिट एरिया के डेंसिटी को हम यहाँ पे सिग्मा से नोट करेंगे सिग्मा इज इक्वल टू क्यू ओवर ए यहाँ से क्यू की वैल्यू फाइंड करें तो आपके पास क्या आ जाती है सिग्मा ए आ जाती है ये हमारे पास आ गई इक्वेशन नंबर थ्री पुटिंग इक्वेशन थ्री इन इक्वेशन वन पुटिंग इक्वन थ्री इन वन इक्वियन थ्री को किस में पुट करेंगे वन में पुट करेंगे तो आप पास क्या आ जाएगा फाइव इज इक्वल टू सिगमा ए डिवाइडेड बाई एप्सलान नार जी हमारे पास आ गई इक्वन नंबर फोर अब कंपेयर कर दें इक्वीन थ्री और इक्वन टू और फोर को कंपेयरिंग इक्वन टू एंड फोर कंपेयरिंग इक्वन टू एंड फोर जब इक्वन टू एंड फोर को हम कंपेयर करेंगे तो देखें हमारे पास क्या आ जाएगा टू ई एज़ इक्वल टू यहाँ पर क्या आ जाएगा फाइव एवर एप्सला सिग्मा एवर एप्सलान नाट अब देखें यहाँ से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइन करनी है टू और ए यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा क्या हो जाएंगे डिवाइड हो जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज ईक्वल टू सिगमा ए डिवाइडेड बाई टू एप्सलान नाट ये ए से क्या हो जाएगा कैंसल हो जाएगा ई इज़ इक्वल टू सिगमा डिवाइड बाई टू एप्सलान नाट इसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो क्या आ गई है सिग्मा डिवाइडेड बाई टू एप्सल आन नाट तो ये जो इक्वेशन है ये इक्वेशन हमारे पास क्या शो कर रही है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को शो कर रही है ड्यू टू इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज एक इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज के अलाउ अब इस तरह हमारे पास एक और इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में ही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अपोजिटली चार्ज प्लेट्स ठीक है एक और इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन हमारे पास है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अपोजिटली चार्ज प्लेट्स जो इनशाला हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे या आज तक के लिए हमारे पास इस लेक्चर में यही था इस लेक्चर के लांग आपको कोई भी डिफिकल्टी कोई भी प्रॉब्लम कोई भी चीज़ अगर समझ नहीं आई तो आप इनशाला वो इसी चैनल के थ्रू आप कमेंट्स में हमें बता सकते हैं इन आपको वहीं पर इसका फ़ीडबैक भी दिया जाएगा कल इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी की एक और इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन को डिस्कस करेंगे तब तक के लिए अला हाफ़ थैंक यू वेरी मच